अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन पर एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान के मामले में मुकदमा चलेगा। मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने उनके खिलाफ आरोप तय करने को हरी झंडी दे दी। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए ट्रंप न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। हाल ही के दिनों में ट्रंप ने अपने ऊपर चल रही जांच को लेकर आक्रामक टिप्पणियां भी की थी। ट्रंप पर आरोप तय हुआ है कि उन्होंने एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $130,000 के भुगतान की बात को छिपाया। ये भुगतान 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया गया था और आरोप है कि ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी को पैसे दिए थे। खुद कोहेन अगस्त 2018 में ही अपना अपराध कबूल कर चुके हैं। उन्होंने माना था कि ट्रंप के कहने पर उन्होंने स्टॉर्मी को पैसे दिए थे। Look up, Stormy, look up, Michael.